हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप लोग सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं नारियल दूध पीठा। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत तैयारी कर ली हूँ, तो दिखाते कि कैसे बनाना है। एक मीडियम साइज का मैंने नारियल लिया था, उसे कद्दूकस कर ली हूँ। ये है गुड़, इसे भी कद्दूकस कर लिया है मैंने। और यहाँ पे है हमारा इलायची पाउडर। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिए हैं। मेरा यहाँ कढ़ाई गर्म हो गया है। अब मैं जो नारियल को कद्दूकस कर रखी थी वो डाल दूंगी। हल्का सा मैं बचा के रख ली हूँ, क्योंकि इसे मैं दूध में भी डालूंगी या मैं थोड़ा सा फ्राई कर भी कर ले रही हूँ। पहले इसे मैं ऐसे 2-3 मिनट तक भूज ले रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं डाल दूंगी गुड़। दो तीन मिनट भूजने के बाद जो मैं इलायची बुक करके रखी थी अब उसे डाल दे रहे हैं। इलायची से हमारा टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद डाल दे रहे हैं गुड़। गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने के बाद ये नारियल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। फिर मैं 2-3 मिनट तक इसे अच्छे से भूजूंगी इसी तरह। जैसे गुड़ देखिए मिक्स हो गया, कहीं आप लोगों को गुड़ नजर नहीं आ रहा होगा, ये हल्का पानी छोड़ा है। तो मैं इसे अच्छे से अभी भूजती हूँ जब तक कि हमारा पानी सूख नहीं जाता है। हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, देखिए कलर भी कितना अच्छा है। कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिए हैं। अब डाल देते हैं इसमें नमक। 1/4 स्पून नमक ले ली हूँ, अब इसे डाल दे रहे हैं। 1/4 स्पून चीनी, टेस्ट के लिए थोड़ा सा डाल दे रहे हैं अदरक। अब देखिए हमारा अच्छे से पानी भी बॉयल हो गया है। 1-2 मिनट बॉयल होने के बाद अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। चावल थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं और इसे मिला रहे हैं, नहीं तो क्या होगा, इसे हमारा गिल्टी पकड़ लेगा। इसीलिए सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। मैं अच्छी एक लोई ले ली हूँ उसमें से, और इसे गोल गोल करके कि जिससे हमारा ये फटे नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसे अच्छे से गोल कर रही थी। अब इसके बाद इसी तरह घुमा घुमा करके मैं इसे थोड़ा सा गड्ढा जैसा बना ले रही हूँ, जिसमें हम भरेंगे नारियल। 1 चम्मच जैसे भरना है, ज़्यादा नहीं तो हमारा क्या होगा, नीचे से फट जाएगा। अब नारियल भरने के बाद अब इसी तरह गोल गोल घुमा करके एक लोई की तरह बना ले रहे हैं। आप इसे किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे बनाया है एक सर्कल और एक प्रिकिया का स्टाइल में बनाया है। आप इसमें कोई भी ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर कोई भी शेप दे सकते हैं। अगर हमारा पेस्ट ठंडा हो जाता है तो उसमें हल्का सा पानी दे करके हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरह। ठंडा जब भी हो जाए हमें फिर दोबारा वही करना, पानी हल्का देना है, फिर उसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। मैंने सारा बना लिया है। हमने बॉयल होने के लिए रखा, हमारा दूध भी अच्छे से खौल रहा है, हो चुका है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ जो नारियल मैंने बचा के रखा था, वो डाल दे रही हूँ। तो यहाँ मैंने डाल दे रही हूँ नारियल डाल करके अब इसे अच्छी तरह से मिला दे रहे हैं। इसी तरह हम इसे 2-3 मिनट हमारा नारियल मिक्स होने देंगे, हमारे नारियल में बहुत जाएगा। अब हम साथ ही डाल देते हैं इसमें चीनी। चीनी यहाँ पे मैंने एक ढक्कन ले लिया है और इस चम्मच से मैं 4 चम्मच चीनी ली हूँ। अब चलिए इसे डाल दे रहे हैं, जिससे हमारा नारियल चीनी एक साथ पकते रहेगा। हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। उसके बाद 3-4 मिनट पकने के बाद हम इसमें डाल देंगे जो मैंने पीठा बना के रखा है। 2 इलायची मैंने कूट लिया है, अब इसमें डाल दे रहे हैं और सभी को अच्छे से कर दे रहे हैं मिक्स। दूध को बीच बीच में हमें चलाते रहना है, जिससे हमारा दूध गाढ़ा हो अच्छी तरह से हो जाएगा।
और अच्छी तरह से बॉयल हो गया था, तो जो मैं पीठा बनाई थी उसे डाल दे रही हूँ। टोटल मेरा 12 पीस बना था, तो अब सब इसमें डाल दे रहे हैं। जितना भी पीठा बनाई थी उसे मैंने इसमें डाल दिया है। अब सभी को एक बार अच्छे से मिक्स कर दे रहे हैं और 3-4 मिनट तक इसे मैं ढक करके पकाऊंगी, जिससे कि हमारा पीठा अच्छी तरह से सीज जाएगा। दूध हमारा अच्छे से बॉयल भी हो रहा है और साथ में पीठा भी सीज रहा है। बीच बीच में मैं इसे चला दे रही हूँ। 3-4 मिनट के बाद हमारा ये बन करके रेडी हो चुका है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये दूध और सूख जाएगा, इसलिए मैं गैस को बंद कर दी हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके रेडी हो चुका है। देखने में लग रहा है कि मैंने रसगुल्ला बनाया है और खाने में भी उसी तरह हमें अच्छा लगने वाला है, और दूध का कलर भी देखिए कितना प्यारा है। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।